This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। 3,200 करोड़ के लोन मामले में ICICI प्रमुख चंदा कोचर से पूछताछ करेगी CBI। वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपए के ऋण में हुई अनियमितता को लेकर CBI ने दो दिन पहले ICICI बैंक के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की थी। अब CBI बैंक की प्रमुख चंदा कोचर से पूछताछ करेगी। कहा जा रहा है कि जब्त किए गए दस्तावेजों के अध्ययन के बाद CBI को लग रहा है कि लोन की रजामंदी ऊपर से मिली थी। साथ ही माना जा रहा है कि इसके लिए कई नियमों को ताक पर भी रखा गया था। बता दें कि इससे पहले वीडियोकॉन लोन मामले में CBI शुक्रवार को चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रारंभिक जाँच शुरू कर चुकी है। चंदा कोचर पर पति के दोस्त की कंपनी को लोन देने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि दीपक कोचर और उनके दो रिश्तेदारों की फर्म को वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धुत ने कितनी रिश्वत दी है। आरोप है कि वीडियोकॉन समूह को ICICI बैंक से दी गई कर्ज सहायता गोपनीय लेन देन से हुई है। गौरतलब है कि ICICI बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के निदेशक अरविंद गुप्ता ने चंदा कोचर पर आरोप लगाया था कि कोचर ने वीडियोकॉन को कुल 4,000 करोड़ रुपए के दो कर्ज मंजूर करने के बदले में गलत तरीके से निजी लाभ लिया।